बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पाकिस्तान की मशहूर तरीन दो हस्तियों की, जिनको दुनिया भर में लोग जानते हैं। तो एक हस्ती जो है काफी ज्यादा वक्त से उसको लोग जानते हैं, पाकिस्तान में काफी ज्यादा उसके लाखों करोड़ों फैंस हैं और दुनिया भर में उनके फैंस हैं। तो आज की इस वीडियो में कम्प्लीट उनके बारे में आपको बताने वाला। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से पहले आप लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जफर सुपारी और गोल्डमैन काका 222 के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा गोल्डमैन काका 222 के बारे में। दोस्तों, गोल्डमैन काका 222 रावलपिंडी का रहने वाला है। दोस्तों, इसका असल नेम अमजद सैयद है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा सोना पहना तो इनको गोल्डमैन का नाम दिया गया और इनका अपना काम है गोल्ड का। इनकी 100 से भी ज्यादा ज्वेलरी की शॉप है और गोल्डमैन काका ने कहा, मैं हर वक्त 15 किलो सोना पहन कर रखता हूँ, जो कि 15 किलो सोने की कीमत कई करोड़ों रुपए बनती है। और गोल्डमैन काका ने कहा, ये जो के कारोबार है सोने का, ये मुझे वालिदैन की तरफ से मिला है, क्योंकि मेरे वालदेन भी यही सोने का कारोबार करते थे। और गोल्डमैन काका कहीं भी जाता है, लोग इनके साथ सेल्फियां बनाते हैं और इनके साथ अपने बॉडीगार्ड भी मौजूद होते हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं गोल्डमैन सोने की चैन और सोने के कपड़े पहने हुए हैं। गोल्डमैन काका ने कहा, जो मेरे पास कुल सोना है वो है 10 अरब रुपए का। तो दोस्तों, ये थी गोल्डमैन 222 की कहानी। अब बात कर लेते हैं जफर सुपारी के बारे में। दोस्तों, जफर सुपारी रावलपिंडी का रहने वाला है। इसको रावलपिंडी का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता है। जफर सुपारी भी सोना पहनने की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जफर सुपारी ने सोने की चैन और सोने के कपड़े पहने हुए हैं। वो जफर सुपारी को भी गोल्डमैन का नाम दिया जाता है और दूर दूर से जफर सुपारी के फैन जफर सुपारी को मिलने आते हैं और इनके साथ फोटो भी बनवाते हैं। जहां कोई शादी या मेला हो, वहां जफर सुपारी को खसूसी मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है और जफर सुपारी कहीं भी जाता है, इनके साथ अपना प्रोटोकॉल भी मौजूद होता है। जफर सुपारी के प्रोटोकॉल में 100 से भी ज्यादा गाड़ियां मौजूद होती हैं और जिस गाड़ी में जफर सुपारी बैठते हैं उस गाड़ी की कीमत है 2 करोड़ 50 लाख रुपए। और जफर सुपारी का अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी है और जफर सुपारी ने अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर सन 2019 में लिया था। और इसके अलावा जफर सुपारी को जानवर और परिंदे पालने का बहुत ज्यादा शौक है। जफर सुपारी ने अपने डेरे पर बहुत सारे परिंदे और जानवर पाल रखे हैं और जफर सुपारी ने एक इंटरव्यू में कहा है, मेरे दरवाजे हर वक्त गरीबों के लिए खुले रहते हैं, मैं हर वक्त गरीबों की मदद करता रहता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं जफर सुपारी गुंडा है, जफर सुपारी डॉन है, ये गरीबों के हक खा जाता है, इनकी जमीनें खा जाता है। लेकिन दोस्तों, हम बिल्कुल भी नहीं मानते। जफर सुपारी बहुत इंसान है। दोस्तों, अल्लाह ताला जफर सुपारी को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखे, आमीन। दोस्तों, आप किसके फैन हैं? आप जफर सुपारी के फैन हैं या गोल्डमैन काका 222 के? दोस्तों, मैं तो हूँ जफर सुपारी का फैन। आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कीजिएगा। और आपके पास अगर कोई भी टैलेंट या फिर आपके पास कोई भी न्यूज मौजूद है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।